मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मैं आ चुकी हूँ सोलन के रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल ट्रेन से बड़ोग, और ये है सोलन का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं और पिंकी भाभी, सबीना भाभी और मेरा बेटू पीछे। तो हम लोग सारे ट्रेन में जा रहे हैं घूमने के लिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे ट्रेन में बैठ के। हेलो गाइज, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और ट्रेन आएगी 12:35 पे। तो अभी हम 12:22 हो चुके हैं, तो अभी हम लोग वेट करते हैं। और बाकी अभी हम लोगों ने टिकट भी नहीं लिया, और टिकट लेने के बाद फिर एक बार ट्राई करते हैं। अभी चलते हैं हम लोग टिकट लेने के लिए। और यहाँ काफ़ी अच्छी धूप लगी है, और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, बट बीच बीच में पीछे बादल आ जाते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। वैसे तो ठंडा है ही, पर थोड़ी धूप लगी है। और चलते हैं हम लोग टिकट लेने के लिए, और देखते हैं कितने की आती है यहाँ से बड़ों की टिकट। ले रहे हैं भाभी टिकट। ये टिकट 30 रुपीज पर बंदा। हेलो गाइस, तो अभी ट्रेन का आने का टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं, और 12:07 पे आएगी इधर। और अभी हम लोग वेट करते हैं, उस वाले टर्मिनल से आएगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग घूमने जाते हैं। वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है बड़ों का, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं सारा। और उसके बारे में उसकी जो स्टोरी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो बड़ोग है वो वहाँ के जो इंजीनियर थे, इंजीनियर कर्नल बड़ोग, जो उनके नाम पे वो स्टेशन का नाम बड़ोग पड़ा है। तो अभी हम लोग चलते हैं और उसका वेट करते हैं ट्रेन का, फिर हम लोग देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। कई बार सीटें मिलती नहीं है, और यहाँ से जो वापस जाएंगे वहाँ के लिए हमें वो बोल रहे हैं कि ये सीटें मिल जाएगी। तो चलते हैं। सो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। चलो, अभी पे बैठ चुके हैं वो उस वाली सीट पे, और मेरा बेटू इस वाली सीट पे बैठा है आमने सामने, क्योंकि लोगों को खिड़की चाहिए थी। साथ बैठ चुके, और ये ट्रेन चल चुकी है। तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है बड़ों के लिए। तब तक के लिए बाय। इधर देख के बोलो, कहाँ जा रहे हो आप? बड़ोग। गाइस, तो जहाँ से मैं बताऊंगी कि कितने टनल पड़ेंगे बड़ों के लिए। तो पहला टनल निकल चुका है, और अभी देखते हैं दूसरा टनल। जय गाइस, यहाँ से 3 टनल क्रॉस हो चुकी है, और अभी ये 4th टनल आया था पीछे। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, ये है सामने सोलन, यहाँ का व्यू। गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोग, और यहाँ से हम लोग वहाँ से बैठे थे 12:37 पर, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोग के स्टेशन पे। और चलते हैं आगे, यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग बड़ों के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये है बड़ों की टनल, जो काफी लंबी टनल है। तो ये है सबसे बड़ी टनल बड़ों की, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है बड़ोग। और ये मेरा फेवरेट, ये ट्री भी मिल चुका है यहाँ। यहाँ का व्यू देखो, काफी अच्छी सीनरी है ये। और यहाँ पीछे ट्रेन खड़ी है जिसमें हम लोग अभी आए थे, और वहाँ पे छाव में भाभी बैठे हैं। ये ट्रेन जो खड़ी है अभी इस टनल के अंदर जाएगी, और ये काफ़ी बड़ी टनल है। ये 1143.60 मीटर की लंबी है ये टनल, और ये काफ़ी हॉर्न टनल है। ये दुनिया की सबसे हॉर्न टनल बताई है ये यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, अभी टूरिस्ट भी काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ भाभी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, यहाँ मेरा बेटो अपनी टॉफियाँ वगैरह खा रहा है, हॉर्न दे दिया है। वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और अभी
ये गई इस टनल के अंदर जा रही है अब यहाँ से। ये काफ़ी लंबी है, ये गई इसके अंदर। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। ये है बड़ोका स्टेशन, बड़ोक स्टेशन यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे ये छोटा सा प्लम का पेड़ है और यहाँ पे ये अभी तो फिलहाल बंद किया हुआ है। लग रहा है यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो काफी अच्छा है। बट अभी थोड़ी देर में हम लोग ना लंच नहीं करके आए, तो खाना भी ना खा के फिर हम लोग ऊपर चलेंगे, जो यहाँ का मेन जो टनल था ऊपर, जहाँ पे सुसाइड किया था कर्नल बड़ोक ने, इंजीनियर कर्नल बड़ोक ने। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर, तो अभी देखते हैं थोड़ा खाने की जगह, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पे ये भी एक टनल है, नीचे पानी जा रहा है यहाँ से बह के। आप लोग भी घूमने आए हो? हाँ, स्पेशली बड़ोक स्टेशन ही देखने आए। अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का व्यू काफी अच्छा है। थैंक यू। हम सोलन रुके हुए थे, तो आसपास एक तो मोहन हेरिटेज पार्क है, वो देखा। हाँ जी, तो आप बेसिकली आए वहाँ से हो आप? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा कौन सी जगह? हाँ जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, तो आप समर वेकेशन पे आए हो? हाँ जी। थैंक यू। जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए थे, वो पीछे जो आए थे अभी हरियाणा से आए हैं कैथल से, और वो भी पीछे सोलन रुके हुए थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। वो स्पेशल यहाँ पे इस टूर के लिए आए यहाँ पे बड़ोक में। तो अभी चलते हैं बाकी का। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग इस वाले टनल पे जा रहे हैं आगे, और ये थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, आगे तक है यहाँ से दिखते व्यू। और हम लोगों को थैले साथ लेके जाने पड़ेंगे, जो हम लोग लंच और चिप्स वगैरह खाने की चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि पीछे छोड़ नहीं सकते। और चलते हैं। तो गाइस, ये सारा पानी इधर आ रहा है, ये नीचे टनल जैसी है, नाला जैसा, इसके नीचे जा रहा है। और यहाँ पे देखो कितना साफ पानी है, बहुत साफ पानी है इधर यहाँ पे। पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, पर आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा ना यहाँ के व्यू, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर, तो मैं भी देखूँगी इस बहाने, फिर नेक्स्ट टाइम आती रहूँगी मैं इधर। यहाँ से ये पीछे से पानी आ रहा है, ये सारा स्टोर होके इधर, और इतना क्लियर पानी है यहाँ से। चलो चलो, यहाँ पे ये काफ़ी अंधेरा है, तो यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा। थक गए ना, जगह ढूंढ रहे खाना खाने के लिए, वो थैले पकड़ के और बता, तीन तीन थैले खाना लेके आए। हेलो गाइस, तो मैं बता देती हूँ, यहाँ से जो चंडीगढ़ से यहाँ का रास्ता है, 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये बड़ोक। और यहाँ से जो हम लोग सोलन से आए थे, वहाँ से हम लोगों को 15-16 मिनट लगे हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है बड़ोक। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। नाम है वो यहाँ के जो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक थे, उनके नाम पर ही ये बड़ोक स्टेशन है जो वो पड़ा है। और ये बड़ोक की जो ये पीछे वाली सुरंग है, ये काफ़ी लंबी सुरंग है, इसकी लंबाई 1143.61 मीटर लंबी है ये बड़ोक की जो टनल है। और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत हॉन्टेड टनल है, काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के जो बड़ोक थे, कर्नल बड़ोक थे, उन्होंने सुसाइड किया था। बट उन्होंने सुसाइड किया था कि जो यहाँ के जो सरकार थे, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उसकी इस टनल की जिम्मेदारी उनको, बड़ोक कर्नल को सौंपी गई थी। और उन्होंने पहले इसकी जांच की थी, और उसके बाद फिर दोनों छोरों से वो खुदाइयाँ शुरू की थी। तो जब ये जो छोर था ये नहीं मिला था, ये टनल जो सुरंग है वो एक दूसरे से नहीं मिले, तो वो काफ़ी शर्मिंदा हुए, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। उस टाइम जो 1 रुपये काफ़ी होता था उस टाइम में। सो भाई, यहाँ के जो कर्नल बड़ोक थे, उन्हें शर्मिंदा होकर उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर। तब से उनकी आत्मा है वो यहीं भटकती रहती है। और काफ़ी जो इंजीनियर कर्मचारी थे, उनको भी दिखाई दी है उनकी जो आत्मा है, और उनको यहीं पे दफनाया गया था। अब उसकी जगह पे वहाँ पे पाइनवुड होटल बना दिया गया है। ये टनल नंबर जो है ये 33 है, 33 टनल नंबर पड़ता है। और यहाँ उस पर, और उस टाइम काफ़ी वो था कि उनको शर्मिंदा होकर वो उस करके उन्होंने सुसाइड कर लिया था।
और अभी ऊपर से काफ़ी धूप लगी है, तो तब से इस स्टेशन का नाम है बड़ोग रख दिया गया है, तो काफ़ी वो है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे ऊपर और जो यहाँ का मेन वो था वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो ये व्यवस्था की है, यहाँ पे रूम रहने के लिए ठहरने के लिए भी ये बनाए हुए हैं यहाँ पे, और इसका रेंट हम लोगों को पता नहीं, बाकी पूछ के बताते हैं आपको। अभी भी पीछे वहाँ रेलवे का काम चला हुआ है, और ये सबसे दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है और काफ़ी लंबी सुरंग है। इसको पार करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। यहाँ पे ये अवकाश घर है, हॉलीडे होम। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से झरना गिरता हुआ ऊपर से। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग खा लेते खाना और यहाँ पे भाभी खाना खोल रहे हैं। मैं तो खाना लेके नहीं आई, दोनों भाभी लेके आए, बाकी चिप्स फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ। तो तब तक लिए खाना खा लेते, उसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ पे ये देखो हमारे पुलाव आ गए हैं, आलू की सब्जी, चपाती, ये अचार, और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से खाना हो रहा है, इंजॉय करते हैं। पुरानी बड़ोग सुरंग के लिए रास्ता है, यहाँ से ये ऊपर जाता है, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके चलेंगे हम लोग। सो गाइस, यहाँ जो पुरानी ये बड़ोग सुरंग है, उत्तरी किनारा, और दूरी है उसकी 1.7 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, और यहाँ पे 7 है, जो भी आप चलो। आप अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ से है रास्ता ऊपर के लिए। यहाँ से दूसरी ट्रेन आ चुकी है और अभी जाएगी ये वापस इधर कालका की तरफ, और फिर चलते हैं। और यहाँ बता दें कि यहाँ काफ़ी ठंडा पानी होता है, और ये जो इनके हाथ में है अभी ये जा रहे हैं, तो ये सिग्नल देते हैं इससे। हेलो गाइस, तो ये ट्रेन है जो कालका के लिए जा रही है, और बाकी हम लोग चलते हैं ऊपर जो पुरानी टनल है उसको देखने के लिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे वापस ट्रेन से ही वापस, क्योंकि 3:30 बजे आएगी। फटाफट से चलते हैं और फिर देखो करते हैं। ये है पुरानी बड़ोग सुरंग के लिए रास्ता है यहाँ से, और अभी हम लोग चलते ऊपर से, और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ओह, सांस फूल रही है। हम लोग इसे देख के, इस वाले गेट को देख के वापस चले गए थे क्योंकि बंद था, तो फिर से आए हैं, चलते हैं ऊपर। हेलो गाइस, यहाँ पे ये प्लम का बगीचा है, प्लम और खुमानी का, सॉरी ये सांस फूल रही थी, ये है कीवी। यहाँ पे काफ़ी सारे देखो, यहाँ पे ही कीवी लगी है, पर अभी ये कच्ची है, ऐसे लगी होती है ऊपर, ये लोहे के एंगल लगाए जाते हैं, उसके ऊपर ये बेल होती है ना भाई। हमारे चढ़ने में सांस फूल रही है, इसको इग्नोर कर देना। ये है बड़ोग रेलवे स्टेशन। ये देखो आड़ू, ये वाले आड़ू तो हमने भी खाए थे, और काफ़ी मोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े से। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये लगाने को पाइप भी लगाया हुआ है, टैंकी भी है। यहाँ देखो हाइट पर काफ़ी सारे घर हैं। तो भाई ये खड़ी है यहाँ पे रेल कार, ये रेल कार, इसको यहाँ पे ऐसे बनी हुई है आगे से, तो इसलिए इसको रेल कार बोलते हैं। इस वाले रेल कार में ज़्यादातर फॉरनर्स ट्रैवलिंग करते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, और अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, चाय वगैरह पीते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे भी ट्रेन आ चुकी है, ये 3:45 वाली ट्रेन है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेन में चलेंगे जो 4:45 बजे आएगी, तब तक थोड़ा इंजॉय करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग बैठे हैं अभी यहाँ चेयर पे, और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर का देखो ऐसे ये लकड़ी वाला बना हुआ है पूरा, और बहुत अच्छा है। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, ट्रेन आएगी जो 4:45 बजे आएगी, तो और यहाँ पे जो 2:45 वाली ट्रेन है वो, और पीछे भी हॉर्न की आवाज़ आ रही है। और दूसरी बात, हम लोग गए थे ऊपर, और जो पुरानी टनल है जो जहाँ पे सुसाइड किया था, तो हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि दिन का समय है, और भाभी वगैरह वो बोल रहे थे कि इस टाइम वो तेंदुआ वगैरह की डर रहता है वो आने का, तो हम लोग 3 बंदे थे, तो उस करके हम लोग गए नहीं थे, और आगे घर भी, और तो उस वजह से हम लोग गए नहीं, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी।
तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ का भी देते जो मेन है वो यहीं है, यहाँ पे जो मैं बड़ो स्टेशन पे बैठी हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से बैठ के, देखो कितना प्यारा लग रहा है वहाँ सामने का व्यू, इधर सारा व्यू है, ट्रेन वगैरह खड़ी है अभी, तो थोड़ा लेट चलती है, यहाँ रुक के चलती है ट्रेन। तो उस करके हम लोग गए नीचे, और जैसी स्टोरी वगैरह तो मैंने आपको बताई दी थी। तो जो ये ट्रेन है वो चलने को तैयार हो गया, हॉर्न दे दिया है, और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हमने, काफ़ी इन्जॉय किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हरी झंडी गाइस, तो हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, तो अभी हम लोग चलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे देख के हम तो लोकल ट्रेन की लाइट वहाँ दिख चुकी है आपको, वो तो ऐसी आ गए हम थोड़ी। हेलो गाइस, तो हम ट्रेन में वापस बैठ चुके हैं और काफी रश है, तो हमें सीट मिली है, तो खड़े होकर कैसे जाना पड़ेगा, 15 मिनट का रास्ता है।